नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने शनिवार को राजस्थान के बीकानेर में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। राजस्थान को बताया अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र। कहा कांग्रेस ने किसानों को दिया है धोखा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर हुआ संपन्न। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा डिजिटल एग्री मिशन से होगा किसानों को फायदा। देश में अधिकांशतः छोटे किसान हैं जिनकी भलाई पर ध्यान देने की है जरूरत। चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमत को नियंत्रित करने के लिए 12 जुलाई को होगी तीसरी साप्ताहिक ई नीलामी। देश भर से 482 डिपो से 4.29 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 254 डिपो से 3.95 लाख मीट्रिक टन चावल की जाएगी बिक्री। भारतीय खाद्य निगम साप्ताहिक ई नीलामी में भाग लेने के लिए कर रहा है प्रोत्साहित। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने कहा अन्य राज्यों में भी सक्रिय मानसून का होगा असर। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने कश्मीर में 24 घंटे तक बारिश का अलर्ट किया जारी। असम में बाढ़ की स्थिति फिर से हुई गंभीर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनसे क्षेत्र की अवसंरचना का विस्तार होगा। पीएम मोदी ने जिन परियोजनाओं की सौगात राज्य को दी उसमें अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे के 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड और लगभग 10,950 करोड़ रुपए की लागत से हरित ऊर्जा गलियारे के लिए निर्मित अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइन के प्रथम चरण का लोकार्पण शामिल है। इसके साथ ही बीकानेर भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन का भी लोकार्पण किया गया। पीएम मोदी ने बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का लोकार्पण किया। इस अस्पताल में 100 बिस्तरों तक के विस्तार की क्षमता होगी। यह अस्पताल एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के रूप में काम करेगा। इसके अलावा पीएम ने बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। 43 किलोमीटर लंबी चुरू रतनगढ़ रेलवे रेलखंड के दोहरीकरण की आधारशिला भी इस दौरान रखी गई। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को कांग्रेस सरकार ने धोखा दिया है। कांग्रेस की झूठ और छलावे की राजनीति का शिकार सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान हुआ है। आप मुझे बताइए, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। कांग्रेस ने वादा किया था, इनके नेता ने 10 दिन के भीतर भीतर कर्ज माफी की कसम खाई थी। क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? 10 दिन, 10 महीने और अब 4 साल कर्ज माफ हुआ क्या? किसानों को कुछ मिला क्या? यहां के किसान इतनी बड़ी मात्रा में बाजरा उत्पादन करते हैं। हमने मोटे अनाजों को श्री अन्न के तौर पर प्रमोट किया, दुनिया में पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। बाजरा पड़ोस के हरियाणा में 2350 रुपये प्रति क्विंटल बिका, 2350 रुपया प्रति क्विंटल, और ज्यादा दूर नहीं हरियाणा में, और यहां राजस्थान में वही बाजरा किसान 1300 रुपये में बेचने को मजबूर हो गया। हमने राजस्थान के किसानों के लिए नर्मदा का पानी पहुंचाया,
इन्होंने इसे रोकने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों से यही नफरत कांग्रेस की फितरत है, यही इनकी हकीकत है। भारतीय कृषि के समग्र विकास के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर का सार्थक आयोजन संपन्न हुआ। दो दिनों में विचारों, अंतर्दृष्टि, अनुभवों का बहुत अच्छा आदान प्रदान हुआ, जिसमें कृषि क्षेत्र की उल्लेखनीय प्रगति एवं वर्तमान तथा भविष्य की चुनौतियों पर मंथन किया गया। समापन सत्र में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में अधिकांशतः छोटे किसान हैं, जिनकी भलाई पर सदैव ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। उन्होंने डिजिटल एग्री मिशन पर जोर दिया और कहा कि इससे किसानों को अत्यधिक फायदा होगा। तोमर ने कहा कि कृषि का क्षेत्र बहुत विहंगम है, विभिन्न आयाम हैं, अनेक चुनौतियां हैं जिनका मिलकर समाधान करना है। देश में अधिक संख्या छोटे किसानों की है, तो जब हम विभिन्न विचार करते हैं तो छोटे किसान केंद्र में रहना चाहिए। कृषि बढ़े, कृषि में मुनाफा बढ़े, उत्पादन व उत्पादकता बढ़े, निर्यात भी बढ़े, ये सब हमारी आवश्यकता है। लेकिन साथ ही जरूरत है कि कृषि में कार्य करने वाले इस क्षेत्र में रुके रहें और भविष्य की पीढ़ियां भी कृषि के प्रति आकर्षित हों। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का प्रवेश होगा, रोजगार के अवसर भी में भी कृषि बढ़ेगी। देश की बड़ी आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले खेतीहर लोग। इसीलिए हमारे विमर्श में ये होना चाहिए कि कृषि टेक्नोलॉजी अन्य सुविधाओं के माध्यम से रोजगार नमुखी होगी। चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमत को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप की केंद्र सरकार की पहल के एक भाग के रूप में साप्ताहिक ई नीलामी की अगली कड़ी में गेहूं और चावल दोनों की खुदरा विक्रेताओं, प्रोसेसरों और व्यापारियों द्वारा खरीद प्रस्तावित है। 2023-24 की तीसरी ई नीलामी 12 जुलाई को आयोजित होगी। इसमें देश भर में 482 डिपो से 4.29 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 254 डिपो में 3.95 लाख मीट्रिक टन चावल की बिक्री की जाएगी। इच्छुक पार्टियां भविष्य की ई नीलामी में भाग लेने के लिए वेबसाइट पर खुद को सूचीबद्ध कर सकती हैं। भारतीय खाद्य निगम साप्ताहिक ई नीलामी में भाग लेने के लिए लघु और काफी छोटे उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि स्टॉक समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में गुना जिले के राघवगढ़ में मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन में भाग लेने वाले तमाम किसानों और लाडली बहनों को आश्वासन दिया कि उन्होंने इसकी कुछ शर्तें कम की हैं और अब उसके तहत कोई भी लाडली बहना योजना से बाहर नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन में कहा कि जिनके पास भी आवास नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री आजीविका आवास अधिकार योजना के तहत प्लॉट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिसने भी जन्म लिया है, उसको उतना तो अधिकार है ही कि वो जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर घर बना सके। जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको फ्री में प्लॉट दिलवा के जमीन के टुकड़े का मालिक बनाएंगे। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, अरे जब इस धरती पर आए हैं तो भगवान ने इतनी जमीन पे तो हक दिया होगा कि अपना मकान बना के रह सके। मेरे बहनों और भाइयों, पीएम आवास के अंतर्गत मकान मिल रहे हैं और अभी 22,700 लाडली लक्ष्मी हैं राघोगढ़ विधानसभा में, और अकेले राघोगढ़ में 67,253 बहने लाडली बहनाएं हैं। लाडली बहनाएं, और सुनो मेरी बहनों, जो छूट गई हो वो चिंता मत करना, अभी फिर से 10 तारीख को मैं पैसा डालने वाला हूं, दोपहर को ठीक 1 बजे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास योजना का लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जिनके पास ट्रैक्टर तो है लेकिन भूमि नहीं है और वो अपना ट्रैक्टर किराए पर चलाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ ऐसे किसानों को भी मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ जमीन और ट्रैक्टर हो। और दूसरा फैसला किया है हमने, इसमें शर्त जोड़ दी थी कि 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। अब 4 पहिया वाहन में ट्रैक्टर भी आता है। कई किसान तो ऐसे थे
उनका ज्यादा जमीन तो है ही नहीं, ट्रैक्टर तो ले लिया, अब हम किराए पे चलाते हैं मामा, हमें काहे को छोड़ दिया। तो अब तय कर लिया ट्रैक्टर वाले भी जो किसान 5 एकड़ जमीन तक के हैं उन सबको लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा, कोई ना छूटे। अभी तो 1.25 करोड़ बहने हुए। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण तथा पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि मशरूम उत्पादन में सोनीपत जिला अग्रणी रहा है, इसकी खास पहचान को कायम रखें। वे शनिवार को क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान मुरथल केंद्र में बात कर रहे थे। उन्होंने बड़े मशरूम उत्पादकों से बातचीत की, मशरूम उत्पादन को विस्तार देने में आने वाली समस्याओं की भी मंत्री ने जानकारी मांगी, जिस पर मशरूम उत्पादकों ने विशेष रूप से बिजली और सोलर प्लांट पर सब्सिडी दिलाने की मांग की। मशरूम प्लांट में बिजली की अत्यधिक खपत होती है, उन्होंने पराली व गेहूं की तुड़ी भी सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने की मांग की। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आश्वासन दिया कि मशरूम उत्पादकों की मांग को पूरा करवाने के लिए वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष अवश्य रखेंगे। जिला सोनीपत में 80 मशरूम यूनिट्स हैं, प्रतिवर्ष लगभग 20,000 टन मशरूम का उत्पादन होता है। और उत्तर प्रदेश सरकार किसानों बागबानों के साथ बेजुबानों की भी बराबर चिंता कर रही है, यही वजह है कि इस बाबत लगातार कदम उठाए जाते रहे हैं। बड़े पैमाने पर निर्धारित गौवंश के लिए आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं, उनके लिए छाजन एवं भूसे के लिए प्रति गौवंश के हिसाब से प्रति माह नियमित राशि दी जा रही है। प्रदेश के ऐसे 6,781 गौ आश्रय स्थलों में 11,88,875 गौवंश रखे गए हैं। इस अस्थायी समाधान के साथ प्रजाति के उन्नयन के लिए पूरे प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान का भी अभियान चला रहा है। इसके जरिए जिन बच्चियों या गायों का गर्भाधान होगा उनसे पैदा होने वाली संतति बच्चिया ही होगी, इसकी संभावना 90% से अधिक होती है, वे भी बेहतर प्रजाति की। इससे कुछ समय लगेगा पर छुट्टा पशुओं की समस्या का स्थायी हल मिलने के साथ प्रदेश के पूरे डेयरी क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्व अनुमान के मुताबिक अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली के जाफरपुर और नजफगढ़ तथा एनसीआर के गुरुग्राम और मानेसर के इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। उधर हरियाणा के कैथल, करनाल, राजौंद, असंद, सफीदो, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, सोनीपत, खरखोदा, पलवल, होडल के आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश का पूर्व अनुमान है। उत्तर प्रदेश के गंगू, शामली, कांधला, बड़ौत, दोराला, बागपत, मेरठ, खेकड़ा, किठौर, गढ़मुक्तेश्वर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, नंदगांव, बरसाना, राया और मथुरा के कुछ भागों में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। असम में बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर हो गई है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश जारी है। दिवांग नदी, दीखो और ब्रह्मपुत्र खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 7 पहुंची। और बताते चले आपको, इनमें विश्वनाथ, धेमाजी, कामरूप, लखीमपुर, चराईदेव, जोरहाट, शिवसागर हैं। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 29,000 से अधिक हो गई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 122 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें धेमाजी, लखीमपुर और विश्वनाथ में सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीमें भी लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर रख रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 6 मील तक भूस्खलन होने के कारण मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन के कारण बंद है। इससे कुल्लू मनाली का संपर्क राज्य के शेष हिस्सों से कट गया है। चंडीगढ़ से शिमला जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर भी जगह जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। किन्नौर में शनिवार से रुक रुक कर हो रही बारिश से किन्नौर कैलाश ट्रैकिंग यात्रा आगामी आदेश तक रोक दी गई है।
मौसम विभाग ने राज्य में 10 जुलाई के लिए भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। पूरे प्रदेश में 14 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी और दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। राज्य के सोलन जिले में भूस्खलन और भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिले के दोची में 3 भवन जमींदोज हो गए हैं, जबकि कुल्लू जिले में लगातार हो रही वर्षा के चलते श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से खराब मौसम में यात्रा न करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की स्थिति में कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। मूसलाधार बारिश से प्रदेश भर में 133 सड़कें बंद हैं, हवाई उड़ानें और ट्रेनें भी बाधित हैं। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में और देखते हैं कि मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। गुजरात की बक्सरा मंडी में बड़ी कमजोरी दर्ज की गई। एगमार्कनेट के मुताबिक यहां 7 जुलाई को चने का भाव रहा 4,535 रुपए, जो 8 जुलाई को 525 रुपए गिरकर 4,010 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में 7 जुलाई को चने का भाव रहा 4,536 रुपए, 8 जुलाई को इसके भाव में 91 रुपए की सुस्ती आई और भाव 4,445 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की नौगढ़ मंडी में भी इस दौरान चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 जुलाई को चने का भाव था 5,660 रुपए, 8 जुलाई को इसके सौदे 60 रुपए चढ़कर 5,720 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। यहीं की जाफरगंज मंडी में चने के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 7 जुलाई को चने का भाव था 5,720 रुपए, जो 8 जुलाई को 5 रुपए बढ़कर 5,725 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 135.44 लाख टन रही थी, जबकि इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक खासी ज्यादा बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं का कारोबार मामूली उतार चढ़ाव के साथ हुआ। बात भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में इस दौरान बढ़त देखने को मिली। यहां 7 जुलाई को गेहूं का भाव था 2,270 रुपए, जो 8 जुलाई को 20 रुपए बढ़कर 2,290 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की जाफरगंज मंडी में 7 जुलाई को गेहूं का भाव रहा 2,300 रुपए, जो 8 जुलाई को 10 रुपए चढ़कर 2,310 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में 7 जुलाई को गेहूं का भाव रहा 2,110 रुपए, 8 जुलाई को इसमें 9 रुपए की मामूली गिरावट आई और भाव 2,101 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। गुजरात की बक्सरा मंडी में भी गेहूं के सौदों में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहां 7 जुलाई को गेहूं का भाव था 2,150 रुपए, 8 जुलाई को इसके सौदों में 15 रुपए की कमजोरी आई और भाव 2,135 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है, जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,077.42 लाख टन रही थी। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। उत्तर
उत्तराखंड में धान की रोपाई कर लें, धान के खेत में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें, किसान सेब के बागों की देखभाल करते रहें, सेब की तुड़ाई कर लें, यही मक्के की बुआई कर सकते हैं, मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, उत्तराखंड में फूलगोभी की बुआई करते रहें, किसान उड़द की बुआई करें, वहीं पत्ता गोभी बोएं। इसके अलावा ब्रोकली की बुआई करने का सही समय है, उत्तराखंड में सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं, किसान मूंग की बुआई करें, इसके साथ ही कद्दू की बुआई कर लें, वहां ज्वार के खेत में सिंचाई करते रहें, अभी गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं, पंजाब में धान की रोपाई कर लें, यहां कपास के खेत में सिंचाई करें, कपास के खेत से घास फूस निकाल दें, साथ ही मक्के की कटाई कर सकते हैं, किसान अमरूद के बागों में सिंचाई करते रहें, अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें, अमरूद के बागों से खरपतवार निकालें, पंजाब में बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं, इसके अलावा बैंगन की रोपाई कर लें, वहीं गन्ने के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें, इसके अलावा अरहर की बुआई के लिए समय उचित है, किसान मूंगफली की बुआई करते रहें, पंजाब में भिंडी की तुड़ाई कर लें, इसके साथ ही टमाटर की तुड़ाई भी करें, इसी तरह लाल मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए एक हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की एक हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान गुजरात हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। एक हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड एक की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। एक हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा राजस्थान गुजरात हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। एक हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है, ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तेलंगाना के ऐतिहासिक वारंगल शहर का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी सेठी वेंकट नाम के एक युवा से मिले जो ऑटिज्म से पीड़ित है। वेंकट ने पीएम को नाटू नाटू गाना गाकर सुनाया। वेंकट के इस गाने पर डांस भी किया। वेंकट की प्रतिभा से पीएम अभिभूत हो गए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्य समिति में 10 सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति तत्काल प्रभावी रूप से लागू की गई है। रेल मंत्रालय ने अनुभूति और विस्टाडोम कोचों सहित वातानुकूलित बैठने की सुविधा वाली सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में छूट योजना शुरू की। ये छूट मूल किराए पर अधिकतम 25% तक होगी। लागू होने वाले अन्य शुल्क अलग से लगाए जाएंगे। ये छूट तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी।
पश्चिम बंगाल में शनिवार को हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जमकर हिंसा हुई। इस चुनाव हिंसा में 11 लोगों की मारे जाने की खबर है। चुनाव से जुड़ी हिंसक घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए हैं। राज्य के कई भागों में मतपेटियां नष्ट कर दी गईं और पोलिंग बूथों में आगजनी की घटनाएं हुई। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में शनिवार दिन भर हुई जबरदस्त बारिश ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को 9 घंटे में दिल्ली में 126.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे दिल्ली में एक दिन में इतनी अधिक बारिश का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। राजधानी तथा NCR के कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मौसम में बदलाव के कारण कई जगह पर भूस्खलन, नदी का जलस्तर बढ़ना आदि जैसे हालात हैं, जिस पर प्रशासन, आपदा प्रबंधन और पुलिस नजर बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री खाद्य अनुपूरक नाम से एक नई योजना शुरू की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस योजना के शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति महीने अधिकतम 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। इससे जम्मू कश्मीर के 57 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा होगा। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।